नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स, आई एम हेवेशनाज और आज हम बात करेंगे 2028 में होने वाले ओलंपिक्स के ऊपर। रिसेंटली इन द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है कि आईसीसी ने ये डिसीजन लिया है कि 2028 में होने वाले ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को एज अ प्रॉपर स्पोर्ट इंक्लूड किया जाएगा। 2024 के समर ओलंपिक्स के अंदर ये इंक्लूड इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी हैं, लेकिन 2028 में होने वाले ओलंपिक्स जो कि यूएसए में होंगे उसके अंदर क्रिकेट को एज अ प्रॉपर स्पोर्ट इंक्लूड किया जाएगा। इस बारे में यहाँ मौजूद लोगों का क्या कहना है, उनको क्या लगता है ये डिसीजन सही है या नहीं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप और क्या नाम आपका? मेरा नाम उमर अब्दुल्ला और मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम आशिर। मेरा नाम कासिम अली। मेरा नाम अब्दुल। मेरा नाम हाशिम है। क्या आपको पता है कि आईसीसी ने अभी डिसीजन लिया है रिसेंटली कि 2028 के ओलंपिक्स में क्रिकेट को एज अ प्रॉपर स्पोर्ट ऐड किया जा रहा है, जानते हैं इस बारे में? जी ये खबर सुनी है और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अगर तो उनकी ये थॉट्स हैं, ये वो कर लेते हैं 2028 तक आ जाते हैं क्रिकेट ओलंपिक्स में, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हो गया क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अभी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट तो कर रहा है लेकिन कोई मेडल नहीं निकाल पा रहा। लेकिन क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जिसका टैलेंट यहाँ मौजूद है। यहाँ आप गेम देख रही हैं, टैलेंट लड़के शो कर रहे हैं। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा खेला है, तो अगर पाकिस्तान ये टैलेंट अपना यूटिलाइज़ करता है तो हम पाकिस्तान के लिए कोई मेडल ज़रूर निकाल के ला सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताया, आपको नहीं लगता कि क्रिकेट के जो लवर्स हैं वो 90% है, मतलब मेजॉरिटी लवर्स जो हैं वो क्रिकेट के हैं, और क्रिकेट इतनी सुपर गेम होने और इतनी हाईलाइटेड गेम होने के बाद अगर ओलंपिक्स में आ जाएगी तो बाकी गेम्स की वैल्यू जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं इतने टाइम से, उनकी वैल्यूज़ कम हो जाएंगी? देखिए मेरा नहीं ख्याल इस तरह कुछ होगा। हम देखें तो ओलंपिक्स में ऑलरेडी 40-50 गेम्स हैं और किसी एक गेम की वजह से दूसरी गेम की वैल्यू जो है वो फ़िलहाल कम नहीं हो रही, तो अगर उसमें एक और गेम हम क्रिकेट की ऐड करते हैं तो उससे वर्ल्ड वाइड तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में थोड़ा सा होगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट की फ़ैन फॉलोइंग क्योंकि ज़्यादा है तो पाकिस्तानी क्रिकेट की तरफ हो जाएंगे, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट विल जस्ट बी एन एडिशन ऑफ अनदर स्पोर्ट। क्या लगता है ये डिसीजन सही है या नहीं? मेरे लिहाज से तो क्रिकेट भी एक अच्छी गेम है और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा लोग इसको लाइक करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर ओलंपिक्स में भी इसको ऐड किया जाएगा तो एक अच्छा, मतलब ओलंपिक्स में भी ना एक तो ओलंपिक्स का लेवल भी ऊपर हो जाएगा और दूसरे नंबर पे क्योंकि क्रिकेट दुनिया भर में खेली जाती है और दुनिया भर में लोग इसको देखते हैं, तो उससे ये भी होगा कि क्रिकेट भी सच खुद भी ऊपर जाएगी और एक अच्छा फैसला है मेरे ख्याल से। जी लेकिन पहले ये इशू था कि क्रिकेट ना बहुत लेंथी थी तो इसलिए ओलंपिक्स में उसकी जगह नहीं बन गई थी, लेकिन अब क्योंकि रिसेंटली शॉर्ट फॉर्मेट्स बहुत ही तरक्की कर गए हैं और बहुत ही पसीराई मिली है इसे अवाम में, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है मेरे ख्याल से। अच्छा स्टेप है, आपको ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि क्रिकेट को अभी कुछ एशियन कंट्रीज़ में और यूरोप में, इंग्लैंड में, यहाँ ज़्यादा खेला जाता है, लेकिन अफ्रीका और अमेरिका यहाँ क्रिकेट की जो क्रिकेट में कम मशहूर है, तो इसके बाद मेरा ख्याल है कि इन खितों में भी क्रिकेट ज़्यादा देखी जाएगी। क्या लगता है ये डिसीजन सही है या नहीं? ये बहुत अच्छा डिसीजन है, जहाँ सब गेम है उसमें क्रिकेट भी आ जाएगी, क्योंकि अगर आपको याद हो जब पहला एडिशन था T10 लीग का, आई थिंक 2018 था या 17 था, जब पहला एडिशन था तो कुछ क्रिकेटर्स ने कहा था कि ओलंपिक्स में भी आनी चाहिए क्रिकेट। लेकिन आपको नहीं लगता कि 90% लवर्स जो हैं स्पोर्ट्स को लेके वो क्रिकेट के हैं, अगर क्रिकेट जो है ओलंपिक्स में ऐड हो जाएगी तो बाकी गेम्स की वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हर स्पोर्ट्स के जो है ना, हर स्पोर्ट्स के लवर अपने अपने होते हैं, ठीक है। अगर किसी को जैसे जुवेनाइल थ्रो पसंद है तो लोग वो भी देखते हैं, अगर किसी को वो बॉल थ्रो जो करते हैं वो भी देखते हैं, अगर किसी को हॉकी पसंद है वो भी देखते हैं, फुटबॉल पसंद है वो भी देखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो वो क्रिकेट ही है। नहीं मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी देखा जाए तो फुटबॉल है, ठीक है, और फुटबॉल लोग देखते हैं, ठीक है, तो अगर फुटबॉल ओलंपिक्स में जा सकती है तो मैं नहीं समझता कि क्रिकेट में ऐसी कोई कमी है या क्रिकेट ऐसी कुछ उधर जाके कुछ ऐसा कम कर देगी कि हम कहते हैं कि क्रिकेट नहीं जा सकती, तो एक अच्छा डिसीजन है, क्रिकेट जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर एक मुल्क में क्रिकेट को तरजीह दी जा रही है तो अगर उसी को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम में गोल्ड मेडल जीत सकती है। पाकिस्तान के लिए मैं इसे अपॉर्चुनिटी देखूंगा, क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि बेसिकली सारे फोकस क्रिकेट पे हम देखते हैं कि बाकी अगर क्रिकेट को निकाल के भी पाकिस्तान अगर कोई गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज या सिल्वर नहीं जीत रहा तो शायद क्रिकेट में जीत जाए। नहीं मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बाकी सारे स्पोर्ट्स जो ओलंपिक्स में हैं तो लोग देख रहे हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि क्रिकेट जो कि उनका पसंदीदा गेम है वो उसे भी ओलंपिक्स में देखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम और इंडिया की अवाम वो चाहते हैं कि हम अपने पसंदीदा गेम क्रिकेट को ओलंपिक्स में देखें। 90% लवर्स जो है इस वक्त स्पोर्ट्स में वो क्रिकेट के हैं, तो इतनी ज़्यादा एक ऑलरेडी मेजर ट्रैफिक है क्रिकेट के पास, अगर वो ओलंपिक्स में भी चला जाएगा तो बाकी स्पोर्ट्स इससे अफेक्ट होंगी, उनकी वैल्यूज डाउन हो जाएंगी या कम हो जाएंगी? नहीं
जो क्रिकेट जो जिस स्पोर्ट्स का लवर होता है वो उसको जहाँ भी हो जिस भी मुल्क में हो वो उसको ज़रूर देखता है, उसे कोई दूसरे स्पोर्ट्स पे ना फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया जो है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है, आपको नहीं लगता कि 2028 के ओलंपिक्स में जब क्रिकेट ऐड होगा तो इंडिया गोल्ड मेडल ले सकता है? आपको लगता है इन सात आने वाले 7 सालों में पाकिस्तान जो है वो इतना इम्प्रूव करेगा कि वो वहाँ जा के खेले और गोल्ड मेडल को अप्रोच करे? देखें पहले तो अभी 2028 को 7 साल हैं, तो इसमें 7 सालों में कोई भी छोटी टीम जो है वो उभर कर आ सकती है अगर वो इन्वेस्ट कर रही है अपनी टैलेंट पे प्रॉपरली, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और दूसरा ये कि आप कोई भी स्पोर्ट उठा लो तो उसमें एक टीम जो होती है कोई कंट्री डोमिनेट कर रहा होता है बाकी सब पर, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ऑन द डे अगर कोई दूसरा परफॉर्म करता है तो दूसरा जीत जाता है। जितनी कम्पटिटिवनेस बेहतर होती जाएगी उतनी स्पोर्ट जो है वो इंटरेस्टिंग होती है। देखिए क्रिकेट जो गेम है ना वो है, गेम डिपेंड करती है कि आप जब खेलने जा रहे हैं वो आपके लिए डे कैसा है, ठीक है। ये अच्छा मैटर नहीं करता कि आप टीम कैसी है या एक ऑन रूट लेवल ये चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन जैसे कि हमारे पास पुराने भी एग्जांपल मौजूद हैं, मतलब टीम्स इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन फिर भी वो टूर्नामेंट्स जीतती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के भी रिसेंट सीरीज हुई है तो उसमें बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस तरह, मतलब आपकी टीम पेज पे कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, ये मैटर करता है कि आप गेम में परफॉर्म कैसा करते हैं। तो मेरे लिहाज से तो इतना कोई मसला नहीं होगा। और बात रही ये कंपटीशन गेम है और कंपटीशन में कोई भी आगे और कोई भी पीछे हो सकता है, तो इस बेस को, इस आर्ग्यूमेंट को बेस बनाना कि इस तरह की नहीं जानी चाहिए, इंडिया ही सारे ले जाएगा, तो मैं कहता हूँ ये एक बेसलेस बात है। और ये इस तरह की बात पर आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ओलंपिक्स में ये चीज़ जानी चाहिए। अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है क्रिकेट में, बाकी स्पोर्ट्स में भी, लेकिन क्रिकेट में बहुत अच्छा जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडिया ओलंपिक्स में अगर क्रिकेट एज अ स्पोर्ट प्रॉपर होगी 2028 में तो इंडिया वहाँ के गोल्ड मेडल ले ले, तो इसमें आपको लगता है कि अगले आने वाले 7 सालों में पाकिस्तान इतनी एफर्ट करेगा, इतना ऊपर जाएगा कि वो अप्रोच कर सके गोल्ड मेडल? मेरे ख्याल से 8 ईयर्स जो है ना एक बहुत लंबा स्पैन है, एक पूरी जनरेशन उसमें गुजर जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर आज ये फैसला आता है कि फर्ज करो कि आज से आठ साल बाद ओलंपिक्स होनी है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी जनरेशनल चेंज आती है, ग्राउंड लेवल पे चेंजेस आते हैं जिससे एक बेहतर टीम डेवलप हो सकती है। जी बिल्कुल, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी जब ओलंपिक्स की टीम बनानी होगी, और कंपटीशन और टैलेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ओलंपिक्स में गोल्ड ला सकता है, बहुत अच्छा चांस। इसमें कौन सपोर्ट करे उनको तो ही हो सकता है, इसमें गवर्नमेंट को और PCB को और जो भी अदारे हैं जो क्रिकेट चला रहे हैं, जो भी क्लब्स के सदर हैं, उनको चाहिए कि अपने प्लेयर्स को प्रमोट करें और ओलंपिक्स के लिए तैयार करें। इंडिया जो है ऑलरेडी करंट सिचुएशन बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है स्पोर्ट्स में, तो आने वाले इतना लंबा टाइम पीरियड है वो आपको नहीं लगता गोल्ड मेडल ले सकता है? इसमें पाकिस्तान अगले 7 सालों में कितनी एफर्ट कर सकता है गोल्ड मेडल को अप्रोच करने के लिए? जो इंडिया की बात है, जहाँ तक कि इंडिया अपने प्लेयर्स को ना प्रमोट करता है, ठीक है, उसके अलावा वो जो वो टैलेंट को प्रमोट करते हैं ना कि वो सिफारिश को करते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वहाँ मैं क्रिटिसाइज़ ज़रूर करूँगा अपने पाकिस्तान को, इसलिए क्योंकि ये टैलेंट को आगे नहीं लेके जाते, ये हमेशा उसको ले जाते हैं जिसके पास माजद के साथ थोड़े से पैसे होते हैं, और दूसरा उसको ले जाते हैं जिसकी अच्छी सिफारिश होती है, ये मेरिट पे नहीं लेके आते। जो इंडिया है मेरिट पे लेके जाता है, इसलिए हर काम में वो हमसे आगे है। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने यहाँ मौजूद लोगों से पूछा कि उनको क्या लगता है 2028 में होने वाले ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को अगर एज अ स्पोर्ट इंक्लूड किया जाए तो क्या ये डिसीजन सही है या गलत, और आप लोगों ने देखा उनका रिएक्शन। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त, फर्दर वीडियोज़ के लिए कमेंट सेक्शन में हमें अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।